खाद्यान्न में कटौती को लेकर उत्तराखंड में राशन विक्रेताओं का पारा चढ़ने लगा है। राशन विक्रेता संघ ने खाद्यान्न में कटौती से नाराज होकर इसके विरोध में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। खाद्यान्न में कटौती के मसले पर देहरादून में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के बैनर तले उत्तराखंड के सभी जिला अध्यक्षों के साथ राष्ट्रीय महासचिव ने आगे की रणनीति बनाई। इस दौरान फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विशंभर बासु ने कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले खाद्यान्न में कटौती करने के विरोध में बृहद हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। साथ ही 26 जुलाई को ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के सम्मुख राशन विक्रेताओं की समस्या रखी जाएगी और जो दल राशन विक्रेताओं की समस्या हल करने की बात करेगा और उसे अपनी घोषणा पत्र में शामिल करेगा उसको राशन विक्रेता आगामी चुनाव में समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए रेवाधर ब्रजवासी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया है। राशन विक्रेताओं की समस्याएं हैं कि राशन विक्रेताओं को आज के समय में लाभांश नहीं मिल रहा है। 11 महीने का लाभांश बैलेंस है पीएमजी का और उसके अलावा मानदेय की हमारी एक मेन डिमांड थी, उसके मामले में भी बात हुई है कि आगे आने वाले समय में इसकी भी राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने अपने अवगत कराया है। 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अनाज जो जनवरी से प्रधानमंत्री योजना का माल प्रधानमंत्री जी ने जो कटौती की है उनके विरोध आम पब्लिक को लेकर आम कार्ड होल्डर को लेकर मास सिग्नेचर कैंपेन काल से हम लोग उत्तराखंड में शुरू करने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।